हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाई एक न्यू रेसिपी। यहाँ पर हम जा रहे हैं रंगीन पानी पूरी बनाने, जिसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कप सूजी लिया और इसमें हम आटा ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप आटा ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1.5 कप आटा ऐड कर दिया और इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। इसमें ये मैंने 1/2 चम्मच मीठा सोडा लिया, इसमें हम ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे 3 भाग में अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 3 भाग में अलग अलग कर लिया। अब इसमें हम कलर मिलाएंगे। यहाँ पर हम 3 कलर के पानी पूरी बनाने वाले हैं। ये देखिए, मैंने इतना आटा अलग कर लिया। अब इसमें मैं इतना रंग मिलाऊंगी येलो कलर का। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया। अब इसे मैं पानी में सान दूंगी। मेरा रेडी हो गया। अभी मैं इसे अच्छे से मैद लूंगी। ये देखिए, मैंने इसका लोई बना लिया है। अब इसी प्रकार मैं उन दोनों का भी लोई बना लूंगी कलर ऐड करके। गाइस, ये देखिए, मैंने 3 लोइयां तैयार कर लिया आटे में रंग मिलाकर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज इसका हम गोलगप्पा बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सबसे अलग, एकदम बेहद रंगीन कलर का गोलगप्पा। देखने कितना अच्छा लग रहा है। और देखें, इसे बनाएंगे और इसे हम रेस्ट करने के लिए इसे रख दे रहे हैं। कम से कम इसे मैं 1/2 घंटा रेस्ट करने के लिए रख। इसे आप किसी बर्तन से ढक कर रख सकते हैं, या सूती कपड़े से भिगो कर इसे रख सकते हैं, या पॉलीथीन में इसे कवर करके रख सकते हैं। देखिए, मैंने इसे पॉलीथीन में करके इस थाली से कवर करके रख दिया है। चलिए, तब तक हम पानी बना लेते हैं इसका। यहाँ पर मैंने ये मिक्सी जार लिया है और अजवाइन और सौंफ लिया, और इसे अब मिक्सी जार में हम डाल। ये देखिए, मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और इसमें मैं 2 ग्रीन मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें पुदीने की पत्ती ऐड कर रही हूँ, जो हमारे पानी को बेहद स्वादिष्ट बनाता है। और इसे हम अब पीस लेते हैं अच्छे से। इसे पीस लिया। अब मैं इसे ओपन करें। देखिए, मेरा पेस्ट रेडी हो गया। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे सब एक कटोरी में निकाल लिया। अब इसे मैं पानी में ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं इसे इस सबको इस पानी में ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं एक कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर रहे हैं। देखिए, मैंने नमक ऐड कर दिया। नींबू का रस मैं अब ऐड कर रही हूँ और इसमें मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है। अब इस सबको मैं अच्छे से मिला दूँगी। ये देखिए, हमारा ये रेडी हो गया है। बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, देखिए मेरा रेडी हो गया। इसे मैं निकाल लिया। अब इसको मैं लोइया बनाऊंगी। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। मैंने लोइया इसका बना लिया है। अब इसे हम बेल लेंगे लोई बना कर सब। देखिए, मेरा सब लोई तैयार हो गया। कितना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा देखने में, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, मैंने सब वेल लिया है इसे। ये तो वेलने के बाद और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी ट्राई करिएगा एक बार ज़रूर। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें हम डाल के छानेंगे सबको। देखिए, मैंने इतना पहले से छान लिया था। इसे मैं अच्छे से ऐसे लाल होने दूँगी, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए, मैंने फिर इसमें ग्रीन वाला डाला। इसे इसे डाल के इसे हिलाएंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, मैं सब रहा इससे मैं इसे। देखिए, हमारा रेड हो गया है। कितना अच्छा देखिए लग रहा है। पूरा मैंने बना लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए, सबसे अलग है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप भी ट्राई करिएगा। अब मैं इस चाट बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें लहसुन और मिर्च का तड़का लगा दिया है और इसमें आलू ऐड कर ले रहे हैं।
मैंने कलर किया, अमचूर पाउडर ऐड किया है, मसाला ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला भी ऐड किया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सब। इसमें नमक भी ऐड कर दें स्वाद अनुसार। इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए हमारा अच्छे से पक गया। अब इसे मैं पानी में भर के खाऊंगी। ये देखिए मेरा फुलके, मैंने इसे निकाल लिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में। ये तो देखिए मैंने इसमें पानी भर लिया है एंड इसमें मैंने चाट भी ऐड कर लिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए।